हेडिंग डालिएगा चेन आइसोमर्स, चेन आइसोमर मैरिज। देखिए चेन आइसोमेरिज कब देखेंगे, टू और मोर आइसोमर्स। आइसोमर्स बोलते ही सारी पहले वाली डेफिनेशन तो एज इट इज आ गई, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला। तो डेफिनेशन क्या बनेगी, टू और मोर आइसोमर्स हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला ड्यू टू डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन इन प्रिंसिपल चेन, प्रिंसिपल चेन ये हमारे लिए हो रहा है। तो अब आप मुझे बताइए, एक दो तीन चार पांच, ये भी पांच और ये भी पांच, ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, चेन आइसोमर्स। आ रही है बात समझ में, क्यों भाई, क्यों, क्योंकि इसमें फाइव कार्बन रिंग है, सॉरी फाइव कार्बन चेन है, और यहां पर क्या है आपके पास, फोर कार्बन चेन है। फोर कार्बन चेन है, हाँ या ना। तो ये तो हमारे लिए हो गया फोर कार्बन चेन। आगे कई बार ऐसा भी होता है कि नंबर ऑफ कार्बन सेम ही रह जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, फिर कौन से आइसोमेरिज में डालेंगे, चेन की जगह फिर पोजीशन में। तो चलिए अगली डेफिनेशन भी कर लेते हैं हम, पोजीशंस आइसोमेरिज। सेम डेफिनेशन बनेगी, टू और मोर आइसोमर्स हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला ड्यू टू डिफरेंट पोजीशंस। पोजीशन ऑफ लोकेंट और सब्सिट्यूएंट बस इतना सा बहुत है। फंक्शन ग्रुप भी आ सकता है और फंक्शनल ग्रुप, लेकिन ये फंक्शनल ग्रुप में पता है कौन सा आएगा, ओ एच आएगा, कीटोन आ जाएगा, क्योंकि ये मेन पोज। हाँ बोलो, ई नाइन तो हाँ बिल्कुल, ईन और आइन, ई नाइन को अपन मल्टीपल बॉन्ड्स लिख सकते हैं एक साथ, एक ही लाइन में लिखना चाहे तो, एक वर्ड में लिखना चाहे तो मल्टीपल बॉन्ड्स। तो इसके एग्जाम्पल क्या बनेंगे, कुछ कुछ समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे से। तो मुझे आप ये बताएं कि मैंने यहां पर इथाइल लिखा है और यहाँ इथाइल, ये एक दूसरे के क्या हैं, आप मुझे बता सकते हैं, ये एक दूसरे के क्या हैं, चेन पोजीशंस फंक्शनल क्या कहलाएंगे, पहले तो देखो, एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच, हाँ बिल्कुल सही है, आइसोमर तो है, तब ये क्या कहलाएंगे, चेन, बिल्कुल सही कहा। कैसे पहचाना इन्होंने चेन, देखो एक दो तीन चार पांच कार्बन चेन है, फाइव कार्बन चेन, और ये कितना है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स कार्बन है, तो ये सिक्स कार्बन चेन है, तो ये ऑब्वियसली चेन आइसोमर्स होंगे, क्योंकि चेन आइसोमर्स की प्रायोरिटी ऊपर है पोजीशन। हाँ अगर यहाँ
की जगह मिथाइल होता तो क्या कहलाते? फिर पोजीशन कहलाते। तो ये एक दूसरे के क्या कहलाते? पोजीशन आइसोमर्स। यहां पर पोजीशन आइसोमर्स है। तो आपसे मेरा पहला क्वेश्चन, अब प्रैक्टिस के लिए बात करते हैं, हटा दूं मैं ये? बेटा देखो, एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच, अंतर ये हो गया एमई, यहां लगना पड़ेगा, पोजीशन तो चेंज करना ही पड़ेगा हमें। अरे ये तो ही पोजीशन आइसोमर्स बनेंगे, नहीं तो आइडेंटिकल बन रहा है। हाँ हटा दो ये, साफ कर दिया जाए। लिख लिया आपने ये? चलो ठीक। तो हमारा अगला पॉइंट क्या रहेगा? कैलकुलेशंस ऑफ आइसोमर्स। कितने कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले आप मुझे बताएं, हम बात कर रहे हैं एल्केन की, ये सब आपको बहुत काम आएंगे। एल्केन CH4, C2H6, C3H8 डू नॉट शो आइसो आइसोमेरेज, कोई भी तरह के आइसोमेरेज नहीं शो करेंगे। CH4, C2H6 और C3H8 प्रोपेन, यानी मेथेन एथेन प्रोपेन के आइसोमर्स कितने होंगे? जीरो। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, एल्केन हमारे पास हो गया, C3 के बाद हम ले रहे हैं C4H10। पहले तो ये बताइए एल्केन है एल्कीन है? एल्केन है। CnH2n+2 को फॉलो कर रही है, कोई पाई बॉन्ड नहीं है। DOU कितनी है? जीरो है। तो साइक्लिक तरह के तो आइसोमर्स बन ही नहीं सकते। C4H10 कौन सा आइसोमर्स होगा इसका? सिर्फ दो आइसोमर्स होंगे, एक तो ये और एक ये। कौन सी आइसोमर्स शो करेगी है? चेन या पोजीशन? चेन, सिर्फ और सिर्फ चेन ही कर सकती है। क्या पोजीशन शो कर सकती है क्या? तो आपसे मेरा पहला क्वेश्चन है कि फर्स्ट एल्केन विच शो आइसोमेरिस, फर्स्ट एल्केन विच कैन शो आइसोमेरिस, ब्यूटेन और पेंटेन? ब्यूटेन, आंसर इज राइट। तो ये एक दूसरे के कौन से आइसोमर्स हैं? चेन आइसोमर्स। C5H10, तो इसके तो बहुत हो जाएंगे। आप हमेशा बनाते वक्त इस बात का ध्यान रखें, सबसे पहले सबसे बड़ा कार्बन वाला, फिर कार्बन छोटा करो, चार कार्बन का इस सीफे, नहीं गलती हो गया, C5H12 है। और अब और छोटा करना चाहते हो, कुछ समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो इसके तीन आइसोमर्स बन रहे हैं, क्या इससे ज्यादा आइसोमर्स बना सकते हो क्या आप? सोच के देखो, नहीं ना? यस और नो? एनी डाउट? तो ये तीनों ही एक दूसरे के क्या है? चेन आइसोमर्स। आप बना सकते हो तो बोलो। तो अभी तक तो आपका पोजीशन ही नहीं क्रिएट हुआ। तो C6H14, इसके कितने आइसोमर्स होंगे? एक दो तीन चार पांच छ। अब आप क्या करेंगे? अपनी चेन को छोटा करेंगे। इधर देखो, ये आपने करा, ये छ। पहली बार मेरे को पीआई मिला है, पीआई का मतलब पोजीशन आइसोमर्स, इससे पहले मिला ही नहीं। तो मेरा अगला क्वेश्चन ये, विच ऑफ द फोल या एल्केन बाय फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्केन विच शो पीआई, आंसर क्या जाएगा? हेक्सेन। फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्केन विच कैन शो पीआई, पीआई का मतलब पोजीशन आइसोमेरेज।
आंसर गोज टू हेक्सेन। फिर अब आप क्या करेंगे, चेन को और छोटा कर देंगे, कर सकते हैं, इसके तो और भी पीआई बन सकते हैं, इसके भी दो बनेंगे, क्या और बन सकते हैं आप? नहीं। फिर एल्केन को और छोटा कर दो आप, तीन कार्बन की पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आप एक दो तीन चार पांच और जैसे ही लगाओगे कहीं पे भी लगाओ चेन बड़ी हो गई, एक दो तीन चार वो की वही बन गई। तो कितने आइसोमर्स बन रहे हैं इसके, सोच के बोलो, इससे ज्यादा बना सकते हो क्या आप? नहीं ना। कितना आंसर आ रहा है आपका? 5। तो आप सभी के लिए मेरा अगला क्वेश्चन, इसके आंसर तो होंगे 5 आइसोमर्स। और किस किस तरह की आइसोमेरी शो कर सकती है ये भी लिखना पड़ेगा आपको, सिर्फ चेन आइसोमेरिस एंड पोजीशन आइसोमेरिस। क्या इससे आप मेटामर्स, फंक्शनल, ट्यूटोमर्स प्राप्त कर सकते हैं? नहीं। रिंग चेन कर सकते हैं? नहीं। तो बताइए अगला एल्केन कौन सा है और उसके कितने आइसोमर्स होंगे, और उसका नाम है हेप्टेन, C7H16। इसके आइसोमर्स बनाए आप जल्दी से। जल्दी से बनाए इसके।